हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, शानदार जबरदस्त। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग की प्रैक्टिस कैसे करें और अपने लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाले बटन दबाएं, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप वीडियो को अच्छा लगे, सही से मेरे अच्छा लगे। तो आज की वीडियो में कुछ मैं यूनिक सजेशन बताऊँगा कि आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एज वेल एज अपनी लिसनिंग के कॉन्फिडेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हो, कॉन्फिडेंट को बिल्डअप कर सकते हो। तो मैं अंग्रेजी जो इंग्लिश लैंग्वेज को मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है। तो कॉन्फिडेंट की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का कॉन्फिडेंट बिल्डअप होना चाहिए, विच टाइप कॉन्फिडेंट शुड बी डेवलप्ड। तो मैं अगर बात करूँ कि जो भी आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंट लगे, कॉन्फिडेंट आए कि येस आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप लिसनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो फर्स्टली, तो मेरा फर्स्ट जो सजेशन है कि लिसन द इंडियन एक्सेंट स्पीकर। ओके, तो आपको इंडियन जिसका एक्सेंट है उसकी लिसनिंग करनी है। स्पीकर को कोई भी चुन सकते हो, आप उसको सुनना स्टार्ट कर सकती हो। तो लिसनिंग अगर आप कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप इंडियन एक्सेंट रखें। अगर आप फॉरेन एक्सेंट में जाओगे तो एक्चुअली दिस एक्सेंट इज़ वेरी डिफरेंट, एज वेल एज आपकी कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं हो पाएगा उसमें और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। इसलिए अगर आप प्राइमरी स्टेज में अगर आप चाहते हो तो आप शॉर्ट वीडियो देखो, शॉर्ट वीडियोज़ बहुत सारी यूट्यूब अवेलेबल है, एज वेल एज आप इंग्लिश की डब्ड मूवी देख सकते हो, इंग्लिश की जैसे कि साउथ मूवीज़ रहती हैं, सुना होगा साउथ मूवीज़ में भी, उनमें भी इंग्लिश में आती हैं, साउथ मूवीज़ इंग्लिश में डब होती हैं। तो अगर वो मूवीज अगर देखोगे ना तो 100% मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो आपका 30-45% आपको अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आएगी। मैं इतना रेशियो में बता रहा हूँ, जो अगर कम, अगर बिगनर भी अगर लिसनर होगा ना बिगनर, तो उसमें इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर आप जो मूवीज़ होती हैं साउथ की डब मूवीज़ होती हैं, बॉलीवुड की भी बहुत सारी डब्स मूवीज़ होती हैं इंग्लिश में, जो आपकी मूवीज़ पसंद हो, ध्यान रखना जो आपकी मूवी आपको पसंद हो वो देखना। जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सी मूवीज़ हैं जो आपकी पसंद है मूवी, उसको इंग्लिश में डब मूवी देखो और इंडियन एक्सेंट में रहना चाहिए। तो 100% आप उस पर, एक तो सबसे बड़ी बात है जो मूवी से जो कोरिलेटेड हो पाओगे, साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज लिसनिंग भी डेवलप होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लिसनिंग को मैंने इम्प्रूव किया है, जितना भी मैं कर पाया तो मैंने सिर्फ उस इंडियन एक्सेंट को फर्स्टली प्राइमरी स्टेज में सुना। तो स्टार्ट टू लिसनिंग। और अगर आप मूवीज़ देख रहे हो तो आप इसी प्रकार की अगर मूवी देखोगे तो 100% आई थिंक आपका लिसनिंग डेवलप होगा। सेकेंड सजेशन है लिसनिंग का, आप शॉर्ट वीडियो देखो। बहुत से यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट स्टोरीज रहती हैं इंग्लिश में, बच्चों वाली स्टोरीज देख सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो, बच्चों वाली स्टोरीज लिखना, स्टोरीज इन इंग्लिश फॉर द किड्स, सो बहुत सारी स्टोरीज आ गई, तो जब उनको देखो ना तो आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर से बेसिक चीज़ें हैं तो वो आप जब समझोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा और स्टार्टिंग से आपका बिल्डअप होगा कॉन्फिडेंट, आपको समझेगा यस आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी स्टोरी में जो नरेटर है जो बोल रहा है, येस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझने लायक हूँ। तो यह करके आप देखो 100% आप इम्प्रूव करोगे। और मेरा सजेशन है कि आप स्टार्टिंग में हॉलीवुड मूवीज़ देखना नहीं देखना, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में। फिर आप थोड़ा सा, जब आप अच्छे से हो जाओ थोड़ा सा, तो फिर देख सकते हो। तो ये है मेरी लिसनिंग की थोड़ी सी, ये है मेरा सजेशन था, पर्सनल था। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी वाला बटन दबाएँ। मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।